हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सजल फ्रॉम सिविल सेंटर। आज हम लोग संजय के साथ आए हैं और फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। संजय, हाँ तो चलिए हम लोग फाउंडेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली फाउंडेशंस आर द सबस्ट्रक्चर एलिमेंट्स विच ट्रांसमिट द स्ट्रक्चर लोड टू द अर्थ। इसका मतलब है कि फाउंडेशन में पूरा लोड आता है पूरे स्ट्रक्चर तक। कैसे आता होगा? कुछ ऐसे ही आता होगा ना, जैसे कि मान लो स्लैब है आपका। हाँ स्लैब से फिर बीम में आता है। हाँ बीम से फिर कॉलम में आता है। कॉलम से पूरा लोड जो है आपका फाउंडेशन में चला जाता है, राइट? हाँ बिल्कुल सही है। इन सच अ वे दैट द सपोर्टिंग सॉइल इज नॉट ओवर स्ट्रेस्ड एंड नॉट अंडरगो डिफॉर्मेशंस दैट वुड कॉज एक्सेसिव सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कहने का मतलब है जो सॉयल है वो ओवर स्ट्रेस ना हो, मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे वो डिफॉर्मेशन में चला जाए और वो हमारा एक्सेसिव सेटलमेंट का कॉज नहीं बने। हाँ तो इसलिए हम लोग फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं, राइट हाँ संजय? बिल्कुल। तो अभी हम लोग फाउंडेशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, मतलब फाउंडेशन के कितने टाइप्स होते हैं? हाँ बेसिकली फाउंडेशंस के दो टाइप होते हैं, एक सेलो फाउंडेशन एक डीप फाउंडेशन। ये सेलो डीप क्या होता है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग एक बार टाइप्स को देख लेते हैं जो हमारे सेलो फाउंडेशन में क्या क्या टाइप के हमारे फाउंडेशन लाई करते हैं और डी फाउंडेशन हमारे क्या क्या टाइप के फाउंडेशन लाई करते हैं। ओके बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेलो फाउंडेशन में मूव करेंगे, जिसमें हमारा पहला टाइप है आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग। ओके तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग के इमेजेस दी हुई है। तो इसमें क्या तीन टाइप की फुटिंग होती है? हाँ बिल्कुल, तीन टाइप की फुटिंग होती है। एक पैड फुटिंग होती है, एक स्टेप्ड फुटिंग होती है और एक स्लोप्ड फुटिंग होती है। ओके, मतलब पैड फुटिंग में केवल आपका ओपन स्पेस होता है और स्टेप भी, मतलब आपका स्टेप्स बाय स्टेप होता है। हाँ बिल्कुल। और स्लोप्ड में क्या होता है, कुछ देर तक आप प्लेन रहेंगे पैड की तरह, उसके बाद आपका स्लोप्ड रहेगा। हाँ स्लोप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा कंबाइंड फुटिंग। तो हम लोग कंबाइंड फुटिंग का यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, ये कंबाइंड फुटिंग है आपका। हाँ, इसमें हमारे पास दो टाइप के शेप होती हैं, एक हमारी रेक्टेंगुलर होती है और एक ट्रेपिजोइडल होती है। ओके, मतलब आप रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं, ट्रेपिजोइडल भी कर हाँ, सकते हैं, दोनों को हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये मतलब कैसे कहाँ पे डिस्कस, मतलब कैसे पता चलेगा कहाँ पे रेक्टेंगुलर यूज करना है कहाँ पे ट्रेपिजोइडल यूज करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। अभी हमारे पास तीसरा टाइप है शेलो फाउंडेशन का स्ट्रेप फुटिंग। ओके, तो चलिए हम लोग स्ट्रेप फुटिंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेप फुटिंग का डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, स्ट्रेप फुटिंग में आप देखिए, या मतलब मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, दो फुटिंग है उसके बीच में एक बीम दिख रहा है। तो मतलब बीम से ये दो फुटिंग जोड़ी जाएगी तो उसको स्ट्रेप फुटिंग बोलेंगे। हाँ, और उस बीम को हम लोग स्ट्रेप बीम बोलते हैं। ओके, तो हम लोग जो ग्रेड बीम बोलते थे वो क्या होता है, स्ट्रेप बीम ही होता है या ग्रेड बीम अलग होता नहीं, है? ग्रेड बीम हमारी अलग होती है। ग्रेड बीम हमारी दो फुटिंग को ही ज्वाइन करती है, बट उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसको हम लोग क्यों उसको ग्रेड बीम बोलते हैं, इसको क्यों स्ट्रेप बीम बोलते हैं। अच्छा, इसका हम लोग शायद ड्राइंग भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में अपने। हाँ, ग्रेड बीम का हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे जाके ग्रेड बीम का भी वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली जो है, जितना मैं समझा हूँ स्ट्रेप बीम के बारे में, तो मैं बोलता हूँ कि ये बीम जो है लाइक अ टाई बीम एक्ट करता होगा, कि दो फुटिंग को ये बांध के रखता है। हाँ, दो फुटिंग के लिए हम लोग इसको टाई बीम भी बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है राफ्ट और मैट फुटिंग। अच्छा, राफ्ट और मैट एक ही फुटिंग टाइप? हाँ, दोनों एक ही होता है, बस उसका नाम अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास जो बॉटम में जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है वो हमारी राफ्ट फुटिंग है, और उसके साथ हमारे जो ब्लू कलर की स्ट्रिप्स दिख रही है वो हमारे कॉलम्स हैं, यानी कि हमारे मल्टीपल कॉलम्स को एक ही फुटिंग में हम लोग जोड़ के उसको मैट फुटिंग कर सकते हैं। ओके, मतलब काइंड ऑफ ये स्लैब डाल दिया कंप्लीट। हाँ बिल्कुल, स्लैब डाल दिया जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मतलब एक यूनिक, मतलब बोलते हैं ना, एक ही साथ फुल स्ट्रक्चर को एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर बना दिया जिसपे सभी कॉलम्स का लोड जा रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है वॉल फुटिंग। तो चलिए देख लेते हैं, ये वॉल फुटिंग कहाँ पे यूज होता है? मैंने तो सुना नहीं इसके बारे में। ये वॉल फुटिंग एक्चुअली हम लोग या तो हमारे पास जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, ओके, या फिर कहीं पे हम लोग बाउंड्री वॉल, अगर बड़ा साइज में बाउंड्री वॉल है तो वहाँ पे हम लोग
थ्रू आउट द लेंथ हम लोग वॉल फुटिंग को प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, मतलब हमारा जो हम लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते थे पुराने जमाने में, तो वहां पे हमारा वॉल फुटिंग यूज होता था। हाँ, जो हम लोग नींव बोलते थे जिसको, ओके, तो पुराने टाइम में हम लोग ब्रिक्स से बनाते थे, मेसनरी वर्क से। ओके ओके, तो वही है, इसको अभी नए तरीके में हम लोग इसको कंक्रीटिंग से कर देते हैं। ओके, तो ये अभी बाउंड्री वॉल्स में भी यूज होता है। हाँ, ओके ओके, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट हमारा टाइप है हमारे पास डी फाउंडेशन। ओके ओके, तो डी फाउंडेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारा पाइल फाउंडेशन है। ओके, तो ये पाइल फाउंडेशन जो है इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, फिगर में जो देख पा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, आप बताइएगा सही है या गलत है। यहाँ पे देखिए, आप एक कॉलम है, ये कॉलम जो है लोड ट्रांसमिट कर रहा है एक पाइल कैप के ऊपर, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है पाइल कैप के ऊपर, उसके बाद आपके ये पाइल्स हैं। तो ये तीन पाइल होते हैं क्या हर फुटिंग में? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, इसको मल्टीपल हम लोग कर सकते हैं, और ग्रुप पाइल के लिए हम लोग डिजाइन भी कर सकते हैं। क्या एक नहीं हो सकता? हाँ, सिंगल पाइल भी होता है, बट जहाँ पे हमारे पास जो बियरिंग कैपेसिटी हमारी ज्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे हम लोग मल्टीपल पाइल्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो आपका लोड है वो ज्यादा हो जाता है और सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कम हो जाती है, तो वहाँ पे हम लोग मल्टीपल पाइल्स के लिए मूव करते हैं। ओके ओके, मतलब ये मतलब बेसिकली जो है आपका जो है जहाँ पे हमारा बोलते हैं ना कि ब्लैक कर्डन सॉइल होगा, सॉइल होगा वहाँ पे यूज होगा। हाँ, तो वहाँ पे हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो होती है। ओके, तो वहाँ पे हमें इसको प्रोवाइड करना होता है। ओके ओके ओके, तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पियर फाउंडेशन। ओके, पियर फाउंडेशन, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो ये पियर फाउंडेशन तो मतलब दिख रहा है कि एक पिलर टाइप का है, जिसमें क्या है कॉलम का लोड जो है आया, और फिर वो क्या किया, एक यहाँ पे बॉक्स टाइप का नीचे मुझे दिख रहा है, ट्रेपेजॉइडल बॉक्स, जो पूरा लोड ट्रांसफर कर रहा है। हाँ बिल्कुल, पियर फाउंडेशन में क्या होता है, हमारा जो भी लोड है उसको हम लोग एक ऐसे कॉलम में प्रोवाइड करते हैं, या ऐसे कॉलम से ट्रांसफर होता है जिसका एक बहुत लार्ज डायमीटर होता है। ओके, जो कि हमारा ह्यूज लोड्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। मतलब कहने का मतलब ये नॉर्मल बिल्डिंग्स में नहीं यूज होगा? हाँ, आप इसको ब्रिज में आपने देखा होगा बहुत जगह पे। ओके, ओके, और वाटर स्ट्रक्चर्स में हम लोग देख सकते हैं इसको। ओके, ओके, तो, मतलब पियर्स जो है वो वाटर स्ट्रक्चर्स में मेनली यूज होते हैं। हाँ, मेनली वहीं पे यूज होता है। ओके, ये रेलवे ब्रिज में क्या बनता है? हाँ, रेलवे ब्रिज में हम लोग जो ओवरब्रिज होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ओके ओके, तो संजय मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने आज पिक्चर्स में सब इलिब्रेट कर लिया, क्या हम लोगों को ये डिटेल्ड मॉडल भी मिलेगा? हाँ, हम लोग आगे चल के इनका अलग अलग टाइप पे ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और अलग अच्छे तरीके से हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और नए वीडियो के साथ हम लोग लेके आएंगे इसका ब्रीफ इंट्रो, और आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय बाय।